देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सोमवार की सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैं सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि मुझे कुछ ही महीनों में प्रमोशन मिल गया था। साथ ही मुझे कंपनी की नई साइट की जिम्मेदारी भी दी गई थी और मुझसे अगली सुबह ही साइट पर पहुंचने के लिए कहा गया, जिसके लिए मुझे जितनी जल्दी हो सकता था साइट के लिए निकलना था। मगर ऑफिस का काम खत्म करते करते दोपहर के 3 बज गए और काम खत्म करते ही मैं पहले तो घर और उसके तुरंत बाद ही नई साइट के लिए निकल गया, क्योंकि सुबह ही मुझे साइट का चार्ज अपने हाथों में लेना था। रात में कार ड्राइव करते हुए मैं जहां बहुत अच्छा फील कर रहा था, तो वहीं नई जिम्मेदारियों का भी दबाव अभी से ही महसूस होने लगा था, जो कि स्वाभाविक ही था। इसी सोच विचार में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब शाम होने चली थी और मैंने भी काफी रास्ता तय कर लिया था, मगर आगे के रास्ते को लेकर मैं थोड़ा असमंजस में था, जिस वजह से बीच बीच में लोगों से मैं पूछते पूछते आगे बढ़ रहा था और इसी वजह से मुझे काफी देर हो गई, क्योंकि कोई भी आदमी सही रास्ता बता ही नहीं पा रहा था। और कुछ तो ऐसे भी थे कि ना जानते हुए भी इस कॉन्फिडेंस से रास्ता बताया कि उन्हें सच में पता हो। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने मुझे ऐसे रास्ते पर भेज दिया जो जंगल के अंदर जाता था। खैर, मैं जैसे तैसे वापस लौटा और मैन सड़क पर आया, मगर अब रात हो चली थी और रास्ता सुनसान होने लगा था। थोड़ा डर तो लग रहा था, मगर इतना भी नहीं। इसी बीच ड्राइव करते हुए मुझे एक आदमी सड़क पर लिफ्ट मांगता हुआ दिखाई पड़ा। मैंने अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकते हुए वो आदमी गाड़ी की खिड़की के पास आते हुए बोला, सर मुझे आगे जो स्टील फैक्ट्री पड़ती है वहां तक छोड़ देंगे। ये सुनते ही मैंने उस आदमी को झट से अपनी गाड़ी में बिठा लिया, क्योंकि उसी स्टील फैक्ट्री के पास ही मुझे जाना था। वहां से निकलते ही मैंने उस आदमी से कहा, मैं यहाँ पहली बार ही आया हूँ, तो जाहिर है कि मुझे यहाँ के रास्तों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो आप रास्ता बताते जाइएगा। इस पर वो आदमी बोला, हाँ सर कोई नहीं, मैं आपको रास्ता बताता जाऊँगा। फिर बातों बातों में मैंने उस आदमी को अपने साइट के बारे में बताया, तो उसने मुझे मेरे साइट का रास्ता भी बता दिया। रात तो हो ही चुकी थी और अब जिस रास्ते पर हम लोग थे वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता था और ऊपर से गुप्त अंधेरा भी सिर्फ गाड़ी की लाइट की रोशनी का ही सहारा था। मैं जैसे तैसे उस ऊबड़ खाबड़ सड़क पर गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मुझे उस आदमी ने गाड़ी की हेडलाइट बंद करने को कहा, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा भी, क्या हेडलाइट ऑफ कर दूं? मगर क्यों? मैंने इतना कहा ही था कि वो आदमी बुरी तरह घबराते हुए बोला, अगर बेमौत नहीं मरना चाहते तो लाइट ऑफ कर दो अभी। मौत की बात सुनते ही मेरे तो कान खड़े हो गए। साथ ही उसका चेहरा बता रहा था कि मामला बहुत ही गंभीर है, जिस वजह से मैंने चुपचाप लाइट ऑफ कर दी और गाड़ी अंदाजे से धीरे धीरे ड्राइव करने लगा। जब अगले 10 से 15 मिनटों में कुछ भी अप्रिय नहीं घटा तो मुझे लगा कि लाइट ऑन कर लेनी चाहिए। वैसे भी उस रास्ते पर गाड़ी चलाना पहले से ही बेहद मुश्किल था और लाइट ऑफ करके तो नामुमकिन सा हो गया था। और आखिरकार मेरे सब्र का बांध टूटा और मैंने गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर दी। हेडलाइट ऑन होते ही गाड़ी में बैठा आदमी एकदम से मेरे पर बरसते हुए बोला, अरे अरे ये क्या कर दिया तुमने, मैंने मना किया था ना लाइट ऑन मत करना। इस पर मैं बड़े संयम के साथ उस आदमी को जवाब देते हुए बोला, जनाब एक तो रास्ता ठीक नहीं है, ऊपर से आपने हेडलाइट्स भी ऑफ करवा दी, ऐसे में ड्राइव कैसे करेंगे भला, और वैसे भी क्या हो गया लाइट्स ऑन करने से। इस पर उस आदमी ने मुझे इशारे से गाड़ी की पिछली वाली सीट की तरफ देखने को कहा और जब मैंने पिछली सीट की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। पिछली सीट पर दो और आदमी बैठे थे जिनका चेहरा नीचे की तरफ था और दोनों ही लगातार कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे। मेरी तो अब सांसें भी रुक रुक कर चल रही थी, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला था। मैं अभी उन्हीं दोनों आदमी को देख रहा था कि उस आदमी ने मुझे हाथ लगाते हुए इशारे में बिल्कुल चुप रहने को कहा और साथ ही
फिर से लाइट ऑफ करने को कहा। मैंने भी वैसा ही किया। मैंने लाइट तो ऑफ कर ही दी थी, मगर डर से मेरे हाथ पैर काबू में नहीं थे, जिस वजह से अब मैं गाड़ी बिल्कुल भी ड्राइव नहीं कर पा रहा था। मगर अभी तो वैसे ही जान पर बनी हुई थी, लिहाजन मैं डरते हुए ड्राइव करता रहा कि तभी गाड़ी एकदम से बंद पड़ गई। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई दीवार गाड़ी के सामने आ गई हो। मैंने ना चाहते हुए भी एक बार फिर लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही मेरी नज़र सामने खड़े बहुत से लोगों पर पड़ी जो मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे। सभी के चेहरे बेहद विकृत थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या बला है। कि तभी वो आदमी एकदम से चिल्लाते हुए गाड़ी से उतरा और वहां से भागने लगा। उसे वहां से भागता देख मैं भी गाड़ी से उतरा और उसके पीछे पीछे भागने लगा। मैं अभी उसके पीछे पीछे भाग ही रहा था कि उन विकृत चेहरों वाले लोगों ने उसे धर दबोचा और देखते ही देखते उस आदमी के हाथ पैर उखाड़ डाले। ये देखकर अब मैं बेतहाशा भागने लगा। चूंकि अंधेरा काफी था तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं भाग किधर रहा हूं, कि तभी मैं भागते हुए नीचे पानी में जा गिरा। पानी में गिरते ही मेरे हाथ में शायद कोई डंडे जैसी चीज पकड़ में आ गई, जिसकी वजह से मैं पानी में टिका रहा और उसी दहशत में रात का अंत हुआ। जब थोड़ा उजाला हुआ तो पता चला कि मैं किसी नदी के बीचों बीच हूं और सामने एक टूटा हुआ पुल नजर आ रहा था। शायद ये वही पुल था जिससे मैं रात में गिरा था। फिर जब मैंने अपने हाथों की तरफ देखा तो पाया कि मैंने जिस चीज को पकड़ा हुआ है वो किसी मंदिर का ध्वज है। मैं काफी देर तक वहीं फंसा रहा। फिर जब वहां से गुजरते हुए लोगों की नजर मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे वहां से निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद मैं सही सलामत अपने साइट पर पहुंचा, जहां सारा किस्सा सुनाने के बाद मुझे पता चला कि आखिर वो कौन लोग थे। दरअसल पहले ये इलाका आदिवासियों का हुआ करता था, जहां लोगों पर कुछ रसूखदार लोग बड़ी ही बर्बरता से पेश आते थे। दिन दहाड़े उनकी बहु बेटियों को उठा ले जाते और फिर मार के जहां तहां फेंक देते थे, जिसके चलते लोगों में आक्रोश फैल गया। जहां उन गरीबों के घर में अंधेरा रहता तो वहीं रसूखदार लोगों के घर रोशनी से चकाचौंध रहते। और एक ऐसी ही रात गांव वालों ने उन सभी पर हमला कर दिया, जिसमें वो सारे गांव वाले मारे गए। इस घटना को बीते एक अरसा हो गया है, मगर उन गांव वालों की आत्माएं अभी भी क्रोध में हैं और वो आज भी अमीर लोगों की चकाचौंध रोशनी पर भड़क जाती हैं। मेरी जान इसलिए बच गई क्योंकि जहां मैं गिरा वहां उन्हीं गांव वालों का पहले मंदिर हुआ करता था, और आज भी उस रास्ते से गुजरते हुए ना तो कोई आवाज करता है और ना ही बत्ती जलाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।